नमस्कार, आप देख रहे हैं केएम टीवी चैनल और मैं आपके साथ के रहा। आज आपको हम वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन कराएंगे, उसकी यात्रा पर आपको लेकर चलते हैं। वैष्णो देवी मंदिर शक्ति को समर्पित एक पवित्र हिंदू मंदिर है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। हिंदू धर्म में वैष्णो देवी जो माता रानी और वैष्णवी के रूप में जानी जाती है, देवी माँ का अवतार है। मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले के कटरा नगर के समीप स्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल लाखों तीर्थ यात्री मंदिर का दर्शन करने आते हैं और यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल द्वारा की जाती है। तीर्थ यात्रियों को सुविधाजनक बनाने के लिए उधमपुर से कटरा के लिए रेल संपर्क बनाया गया है। तो कहते हैं, पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती हैं। उनके दरबार में जो कोई भी सच्चे दिल से जाता है, उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। ऐसा ही सच्चा दरबार है माता वैष्णो देवी का। माता का बुलावा आने पर भक्त किसी न किसी बहाने से उनके दरबार में पहुंच ही जाता है। असीम वादियों में त्रिकूट पर्वतों पर गुफा में विराजित माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां दूर दूर से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। मां वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो के एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। एक बार ब्राह्मण श्रीधर ने अपने गांव में माता का भंडारा रखा। सभी गांव वाले और साधु संतों को भंडारे में पधारने के लिए निमंत्रण दिया गया। पहली बार तो गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि निर्धन श्रीधर भंडारा कैसे करा सकता है। श्रीधर ने भैरवनाथ को भी उनके शिष्य के साथ आमंत्रित किया। भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूरी की जगह मांस और मदिरा का सेवन करने की बात कही। तब श्रीधर ने इसकी असहमति जताई। अपने भक्त श्रीधर की लाज रखने के लिए माँ वैष्णो देवी कन्या का रूप धारण करके भंडारे में पधार गई। भोजन को लेकर भैरवनाथ के हट पर अड़ जाने के कारण कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, किंतु भैरवनाथ ने उनकी एक न मानी। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तो वह कन्या वहां से त्रिकूट पर्वत की ओर भागी। उस कन्या रूपी वैष्णो देवी हनुमान को बुलाकर कहा कि भैरवनाथ के साथ खेलो, मैं गुफा में 9 माह तक तपस्या करूंगी। इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेला। आज इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। अर्धकुंवारी के पास ही माता की चरण पादुकाएं भी हैं। यह वह स्थल है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। कहते हैं कि उस वक्त हनुमान जी माँ की रक्षा के लिए वैष्णो देवी के साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से बाण चलाकर पहाड़ से एक जलधारा निकाली थी। उस जलधारा में अपने केश भी धोए थे। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या उसमें स्नान करने से भक्तों की सारी व्यवधाएं दूर हो जाती हैं। चित्रकूट पर वैष्णो माँ ने भैरवनाथ का संहार किया और उसके क्षमा मांगने पर उसे अपने से ऊंचा स्थान दे दिया। जो भी मनुष्य मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी।